नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर कर देना और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम जानेंगे लाइन पॉलिश के अंदर ग्रेनाइट को पॉलिश कैसे करते हैं, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा जीरो से लेकर हीरो तक। तो फिर वीडियो देखना और साथ में लाइक व शेयर जरूर कर देवे और कमेंट करके तो जरूर बतावे। दोस्तों देखिए, आप देख रहे हैं आपको अनपॉलिश का माल अभी कटिंग होने के लिए तैयार है। अनपॉलिश का स्लैब यहाँ पर दोनों साइड से पहले एज कटिंग किया जाएगा, देख सकते हैं। आपको पूरा लाइव वीडियो दिखाऊंगा और पूरा स्लैब, ये स्लैब जब तक पॉलिश ना हो जब तक मैं वीडियो को एंड नहीं करूँगा, पूरा एकदम लाइव आपको बताने जा रहा हूँ आज। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से पहले उसको एज कटिंग किया जाएगा अनपॉलिश माल को, फिर बाद में पहले आगे का हिस्सा, फिर बाद में पीछे का हिस्सा जो वेस्टेज है उसको पूरा एज कटिंग यानी कि ट्रिमिंग करते हैं, उसको काट के बाहर फेंक देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो छोटी सी मशीन लगी हुई है लाइन पॉलिश के सामने, लाइन पॉलिश का पूरा आपको व्यूज दिखेगा इसके अंदर और पूरी जानकारी मिलेगी भाई कैसे होता है और कितनी देर में होता है, ये भी आप जान लीजिए भाई कितनी देर लगता है लाइन पॉलिश का एक स्लैब पॉलिश करने में। जी हाँ दोस्तों, मैं ग्रेनाइट पॉलिश की वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, मार्बल की बात नहीं करूँगा। यहाँ पर देखो अभी ये आपको वेस्टेज इस साइड से तो पहले काट दिया, अब आपको काट रहे हैं इस साइड से, देख सकते दोस्तों पूरी आपको लाइव जानकारी दूंगा। साथ में मैंने एक्चुअली वीडियो अंदर फैक्ट्री के अंदर बनाया तो वीडियो का साउंड बंद कर दिया था क्योंकि इस फैक्ट्री में साउंड बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने उसकी वीडियो की आवाज़ म्यूट कर दी थी। अभी मैं आपको फेस टू फेस देखो ये वेस्टेज कष्ट कट गया है और दोनों साइड से स्लैब कट होके अभी अंदर जाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी कट चुका है और पीछे से भी कट चुका है, एक स्लैब ऑलरेडी अंदर डाला हुआ है, ये धीरे 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 अंदर जाता रहेगा और दूसरा स्लैब पीछे से अभी जो मैंने अभी काटा हुआ बता रहा हूँ ना, वो आपको अभी एक दो मिनट के अंदर आपको अंदर चला जाएगा और अब आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जब तक बाहर ना आवे मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कितनी देर में बाहर आता है और कैसी इसकी पॉलिशिंग रहती है, कितना सुंदर दिखता है, एक नंबर धाकड़ दिखता है। लाइन पॉलिश की बात करें तो लाइन पॉलिश में और हैंड पॉलिश में और ऑटो पॉलिश में रात दिन का फर्क है दोस्तों। इसके अंदर आपको अपने मुँह है ना कांच की ज़रूरत नहीं, अपने बाल को आप इसमें ही ठीक कर सकते हैं, इतनी एक नंबर की धाकड़ पॉलिश होती है दोस्तों। देख सकते हैं आप KMT कंपनी की आपको यहाँ पर लाइन पॉलिश दिख रही है, देख सकते हैं आप पूरा वीडियो LPM 126B 1300 वहाँ पर डालने का, इधर आउट बार आने का और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये स्लैब, देखो ये स्लैब आपको भी धीरे 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 बाहर आने लगा है। दोस्तों मैंने क्या हुआ था, अंदर डालने के बाद वीडियो को पॉज करके फिर बाद में प्ले किया था क्योंकि आपका ज़्यादा समय ख़राब करना मुझे अच्छा नहीं लगता दोस्तों, और आप भी शायद बोर हो जाएंगे भाई इतनी देर क्या बक 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 कर रहा है, जो भी पटा जल्दी जल्दी पटा, क्योंकि आज कल लोगों के पास टाइम नहीं है ना इसलिए। तो देख सकते हैं जो स्लैब अंदर डाला था अभी धीरे 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 बाहर आ चुका है, बाहर आ रहा है, 4 फुट तो बाहर आ चुका है, अभी और 6 फुट बाहर आना है क्योंकि स्लैब पूरा 10 फुट लंबा था दोस्तों, बहुत लंबा था स्लैब, देख सकते हैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। देखो ये स्लैब थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगा है, 5 फुट तक बाहर आ चुका है, अपना भाई यहाँ पर इसको साफ करके फिर बाद में थप्पी पे लगाएगा, पूरी आपको टोटल इंफॉर्मेशन दूंगा लाइव के साथ में। तो फिर थोड़ा वीडियो को देख लीजिए और जानकारी प्राप्त कर लीजिए दोस्तों। देख सकते हैं अभी 5 फुट का स्लैब बाहर आ चुका है दोस्तों, आपको नज़दीक से दिखा दूं जब अंदर गया था जब कैसा था, अभी बाहर आया तो कैसा है, क्लियरिटी आपको इतनी अच्छी दिखेगी। ग्लास पॉलिश जिसको बोलते हैं, ग्लास पॉलिश का मतलब होता है जो कांच अपना मुंह देखते हैं इसी तरह का। और एक भाई मेरा दोस्त था वो इसके अंदर दाढ़ी बना रहा था इसके अंदर देख के, मैंने उस टाइम में थोड़ा बिजी था इसलिए वीडियो नहीं बनाया, अगली बार कोशिश करूंगा कि वो जब दाढ़ी करेगा ना तो उसकी वीडियो लूंगा मैं। आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा था उस टाइम में,
ऐसे ही मजाक मजाक में कर रहा था, कांच तो बहुत थे। तो देख सकते हैं अभी आपको 6.5 फुट का स्लैब बार आ चुका है और आपको 3.5 फुट का आने का बाकी है। तो फिर लाइव देखिए बेफिक्र, आप देखते ही जाइए दोस्तों, पूरी जानकारी आपको मिलेगी स्लैब बार आने के बाद में क्या 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 किया जाता है और कैसे रखा जाता है। देखो आप नज़दीक से देख सकते हैं, इतनी क्लियरिटी दिख रही है, वो पंखा चल रहा है, इस साइड में पंखे की आपको पंखड़ियाँ दिख रही है इसके अंदर, यानी कि आपको देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा लाइन पॉलिश के मटेरियल का होता है। देख सकते हैं इसके अंदर एक नंबर की ग्लास पॉलिश, आप देख रहे हैं पंखा घूम रहा है, वो ऊपर है परंतु स्लैब के अंदर घूम रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ सच, डाडी बनाई थी उसने, वो वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक बार मैं इस बार बनावे तो आपको लिए लेके आऊँ। देख सकते हैं आप नज़दीक से ऊपर का जो लाइन पॉलिश का शेड है वो आपको दिख रहा है और ऊपर वो एयर वाला कंडीशन, वो नाम भी इसके अंदर अच्छी तरह से दिख रहा है। आप देख सकते हैं इतनी एक नंबर की धाकड़ पॉलिश हो चुके हैं। और इसकी बात करें मटेरियल कॉस्ट की, तो आपको कॉस्टिंग लाइन पॉलिश के हैंड पॉलिश में 5-10 रुपये का फर्क होता है दोस्तों, परंतु लाइन पॉलिश का माल दिखता बहुत बढ़िया है और उसकी शाइनिंग बहुत एक नंबर की आती है दोस्तों। जो स्लैब दोस्तों धीरे धीरे बातों बातों में स्लैब बार निकलने वाला है दोस्तों, देख सकते हैं ये देखो निकल गया दोस्तों, पूरा लंबा सा स्लैब, 10 फुट का स्लैब है, 10 फीट x 2.25 की इसकी साइज़ है दोस्तों। अभी भाई क्या करेगा, उसको साफ करने के बाद नापेगा। देखो लाइव दिखा रहा हूँ आपको, लाइव दिखा रहा हूँ, कोई भी संकोच नहीं है किसी बात का, लाइव आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। इसको साफ कर दिया है, देखो उसके ऊपर ऑयल वॉयल कुछ नहीं लगाया जाएगा क्योंकि लाइन पॉलिश में बना हुआ मटेरियल एक नंबर का, शाइनिंग नंबर वन दिखता है। देखो 27, यानी कि मैं आपको बोला था 2/4 की साइज है 27। और लेंथ की बात करें तो लेंथ भी आप लाइव देख लीजिए, कोई भी संकोच नहीं, वीडियो में पूरी जानकारी आपको हाथों हाथ लाइव में देख सकते हैं। आपको 10 फुट और 2 इंच यानी कि 310 की आपको स्लैब मिल चुकी है, 10 फुट 2 इंच। आपको मैं जो भी है क्लियरिटी पूरी जानकारी दूंगा, पूरी जानकारी दे रहा हूं ओपनली, कोई आपको छुपाना उपाना नहीं है। तो फिर वीडियो को लाइक व शेयर करना तो बनता ही दोस्तों, मेहनत किस काम की फिर बाद में। तो देखिए दोस्तों ये अभी रेडी हो गया है अंदर जाने के लिए, सॉरी लगाने के लिए। ये देखो वहाँ से आपको यहाँ पर घुमा के यहाँ पर ला गया, अपना भाई रिमोट कंट्रोल से इसको ठीक करेगा। ये स्लैब अभी इसके ऊपर जाएगा, उसके ऊपर जाने के बाद ये लोडिंग होने के बाद थप्पी के ऊपर आएगा और थप्पी फिर आएगी गोडाउन पे, गोडाउन से फिर आएगा आपके घर पे, आपके घर से फिर बाद में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। और एक नंबर धाकड़ दिखेगा ये पत्थर, लगाने के बाद तो बहुत सुंदर दिखेगा भाई, लगाने के बाद किसी ने भी लगाया हुआ है तो मुझे ज़रूर एक बार फ़ोटो कीजिए हमारी मेल आईडी पे, देखेंगे भाई कैसा लग रहा है हमारी गैलेक्सी। ये देखो दोस्तों आपके सामने मैंने लाइव बता दिया, पूरा लाइव बता रहा हूँ, कोई छुपाई उपाय नहीं है। ऐसे जमाते हैं, ऐसे लगे रहते हैं ब्लॉक टू ब्लॉक, देख सकते हैं आप धाकड़ लाइन पॉलिश का वीव्स आपने देख ली दोस्तों। थप्पी मैं अभी आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये अपना गैलेक्सी ग्रेनाइट, ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट है। तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो गया यार, 8.5 मिनट का होने वाला है वीडियो। तो फिर मैं आपसे शुक्रिया लेना चाहूँगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर कर दीजिए।